नमस्कार, M19 TV न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग कहते थे हम रोड पे इसलिए उतरे हैं, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा झंडा लिए खड़े होकर यह नारे लगाया करते थे। जब हकीकत सामने आई सब कुछ साफ साफ हो गया। हर मीडिया चैनल पर यह दिखाया गया दिल्ली में दंगाइयों ने किस तरह से दंगे फैलाए। जब मीडिया में सब कुछ साफ साफ दिखाया गया, ताहिर हुसैन आप पार्टी के पार्षद जो थे उनके फैक्ट्री के छतों पर किस तरह से भारी मात्रा में पत्थर, एसिड, पेट्रोल बम जैसे इस प्रकार की हथियार जो दंगे में इस्तेमाल किए गए, जब वहां पर जाकर फॉरेंसिक लैब अधिकारियों ने पूरी तरह से जांच की, उसके बाद ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी हुई। आमतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए, आम आदमी पार्टी के विधायक ओखला से जीते हुए देश और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये ट्वीट करके लोगों को जताना चाहते हैं, जनता में भ्रम फैलाना चाहते हैं। एक सांप्रदायिक तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है आज ताहिर हुसैन सिर्फ इस बात की सजा काट रहा है कि वह एक मुसलमान है। शायद आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुनाह मुसलमान होने का है। यह भी हो सकता है आने वाले वक्त में यह साबित कर दिया जाए कि दिल्ली की हिंसा ताहिर हुसैन ने कराई है। आमतुल्लाह खान से यह पूछा जाना चाहिए, आपको जनता ने जिताया है? ताहिर हुसैन को जनता ने जिताया है। उन्होंने इस तरह के वारदात क्यों किए? क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? क्या यह हिंसक नहीं है? क्या इस तरह के ट्वीट पर कानूनी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए? ये हम आपके ऊपर छोड़े जाते हैं। खबर का मतलब है एक भरोसा।